पूर्व सैन्य नवीन संगठन अध्यक्ष, 723वीं सैन्य जयंती के उपलक्ष्य में आज शहर से टाउन हॉल से 1 बजे भव्य शोभा यात्रा वाहन रैली के रूप में चित्रकूट नगर पर आई है। आज सैन्य विकास संस्थान, सैन्य नवयुग संगठन, सौर सैन्य कलाकार मंडल और सभी सैन्य परिवार आज सभी सैन्य जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। 5 दिवसीय जो प्रोग्राम सैन्य जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिन से सैन्य जयंती उत्सव चल रहा है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप और महिलाओं का संगीत भजन संध्या और पुरुष और युवा वर्ग के खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ये सैन्य जयंती 723वीं सैन्य जयंती आज सैन्य परिवार मना रहा है। आज कितनी लंबी यात्रा निकाली गई और कैसे इसका प्रारंभ हुआ? ये नवयुग सैन्य संगठन, सैन्य सोल कलाकार मंडल और सैन्य समाज विकास संस्थान की ओर से पूरी रूपरेखा बनाई गई और वाहन रैली के रूप में बुलेट गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और 3-4 झांकियों के साथ ये पूरे शहर में शोभा यात्रा घूमते हुए चित्रकूट नगर पहुंची। और आप चित्रकूट नगर में यहाँ पर जो साल भर हमारे समाज के जो युवा बच्चे और जो जो जिन जिन प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं और जिनका सम्मान आज यहाँ किया जाता है और साल में ये एक पर्व सैन जी महाराज का सैन जयंती पर मनाया जाता है, पुनः सभी सैन परिवार और पूरे देशवासियों को सैन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले साल तक नया कोई शेड्यूल कुछ बनाया समाज के लिए, विकास के लिए? समाज का विकास आज ये चित्रकूट नगर की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सैन विकास संस्था और सैन परिवार जो पूरा उदयपुर शहर में और आसपास लोगों ने काफ़ी सहयोग करके इस भवन को बनाया है और समाज में जो क्रांति अब धीरे धीरे दूसरे समाजों के देखते हुए हमारे समाज में भी बहुत भव्य क्रांति अब धीरे धीरे प्रारंभ हो गई है। अगला साल इसी शोभा यात्रा को और भव्य बनाई जाएगी और इस बार प्रशासन ने हमारे 4-5 चौराहे जो रात को हमने सैन परिवार की तरफ से तैयार किए जा रहे थे, तो जिला कलेक्टर साहब की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये हमारे चौराहे पर बैनर नहीं लगाने दिए। ये हमारे अंदर रोष है कि सैन जयंती के ऊपर हमारे उदयपुर शहर के अंदर चौराहे जो सजाए गए उनके बैनर और सारे पोस्टर हटवा दिए गए। ये सैन परिवार और सैन समाज उदयपुर में बहुत बड़ा रोष है कि ये इस टाइप की हमारी शोभा यात्रा में हमारे चौराहे से बैनर हटाए गए, जबकि दूसरे समाजों की शोभा यात्रा और दूसरे समाजों की जो प्रोग्राम होते हैं उनमें सारे चौराहे सजाए जाते हैं, उनमें कपड़े नहीं हटाए जाते। और इस बार हमारे सैन परिवार की जो सैन जयंती पर चौराहे सजाए जा रहे थे, उन चौराहे को रात को प्रशासन ने सारे बैनर और ये सारे हटवा दिए। ये बहुत रोष की बात है, सैन परिवार हमारा बहुत दुख की महसूस कर रहा है। बच्चों के लिए विशेष क्या व्यवस्था इस बार समाज करने जा रहा है? बच्चों के लिए हम जो बच्चे प्रथम जो आते हैं हर क्लास में, उनके लिए विशेष हमारे सैन परिवार की ओर से, सैन समाज की ओर से उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको ऊपर मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनसे बच्चों में और उत्साह पैदा होता है और धीरे धीरे हमारे समाज की क्रांति की ओर बढ़ रहा है। जय सैन जी महाराज। गांव से आने वाले बच्चों के लिए क्या यहाँ व्यवस्थाएं होगी उनको? अभी मावली और आसपास जितने भी जो क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके लिए ये पूरा भवन बना हुआ है। जो परीक्षा देने आते हैं बाहर से, जो भी सैन परिवार के युवा साथी और जो भी बच्चे जिन जिन परीक्षाओं में आ रहे हैं उनके लिए उदयपुर सैन समाज की ओर से भवन की, खाने पीने की सारी सुविधाएं दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।